नमस्कार, डिवाइन बेबी सॉल में आपका स्वागत है। कहीं बार कहीं सारे मदर्स हमारे गर्भ संस्कार क्लास और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सवाल करते हैं कि क्या हमें अपनी गर्भावस्था के दौरान पपीता खाना चाहिए या नहीं। प्रेगनेंसी में पपीता खाने से मिसकरेज हो जाता है, ये बात सच है क्या? हमारे घर वाले हमें पपीता को देखना या खाना सख्त मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हमें अपनी गर्भावस्था में कच्चा पपीता खाना चाहिए या पका हुआ खाना चाहिए? पपीता खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे बच्चा गिर जाने का भी चांस रहता है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पपीता में बहुत मात्रा में न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं और पपीता खाने से मिसकरेज हो जाएगा, ये बात 100% मिथ है। इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी में बेहिचक होके पपीता खाए। सवाल ये भी होता है कि कच्चा पपीता खाए या पका हुआ पपीता खाए। बाजार में दो टाइप के पपीता उपलब्ध है। पहला पपीता जो पका हुआ पपीता होता है, जिसका बाहरी आवरण पीला रहता है। दूसरा पपीता है वो हरा वाला पपीता रहता है, जिसे हम कच्चा पपीता कहते हैं, जिसका बाहरी आवरण हरा यानी कि ग्रीन कलर का होता है और अंदर का सफेद कलर का रहता है। जो पका हुआ पपीता होता है उसमें बीटा कैरोटीन रहते हैं। ये बीटा कैरोटीन गर्भस्थ शिशु के शारीरिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बीटा कैरोटीन बेबी के हड्डियों के विकास के लिए, बेबी के दांत और आंखों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस बीटा कैरोटीन के साथ पपीता में बहुत मात्रा में विटामिन्स भी रहते हैं, जैसे कि फाइबर, पोटेशियम, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जो प्रेगनेंसी के महत्वपूर्ण विटामिन है। इसीलिए पका हुआ पपीता खाना आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही फायदेमंद रहता है। कई बार कई मदर्स की फरियाद होती है कि उसे प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ऐसी मदर पपीता खाती है, उसमें मौजूद फाइबर विटामिन के कारण उसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। दूसरा जो पपीता है वो कच्चा पपीता है, जो हरा कलर का होता है, जिसे हम रो पपीता या कच्चा पपीता कहते हैं। ज़्यादातर ये पपीता मैरिनेशन के लिए और ब्रेकफास्ट के टाइम कच्चे पपीते की चटनी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। कच्चे पपीता में बहुत मात्रा में लेटेक्स और पेपेन रहता है, जो मिसकरेज होने के चांस बढ़ा देते हैं, जिसके कारण लेबर पेन अर्ली होने के चांस भी बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसी कारण आपको प्रेगनेंसी में हरा पपीता यानी कि कच्चा पपीता खाना अवॉइड करना चाहिए। ये समस्या हर पेशेंट में हो ये ज़रूरी भी नहीं है और ऐसी संभावना भी बहुत कम है, इसीलिए डरना भी नहीं है। हमारे परिवार वाले की स्ट्रांग बिलीफ होती है कि हमें प्रेगनेंसी में पपीता खाना ही नहीं है, तो आप उसकी बातों को भी आदर के साथ मानकर पपीता को अवॉइड करके परिवार में शांति बनाए रखें। ये पपीता हमें कब कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये भी हमें एक सवाल होता है। कोई भी फ्रूट या फूड अगर ज़रूरी मात्रा में खाते हैं तो कुछ नुकसान नहीं होता है, पर ओवर खाने से अच्छा फ्रूट भी हार्म कर सकता है। आपको पपीता दिन के समय सुबह से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में खाना है। हो सके तो पका हुआ पपीता ही खाए और पपीते की एक या दो स्लाइस ही आप खाए, जो आपके स्वास्थ्य और प्रेगनेंसी को ज़्यादा स्वस्थ रखेगा। आशा रखती हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।